दोस्तों बहुत दिन के बाद एक स्पोर्ट्स सेंट्रिक वीडियोस मेकिंग कर रहे हैं और आपको देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं ऊपर से लेके नीचे तक, यार क्या नीचे का मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं ऊपर से तो काफ़ी चेंज हो चुका हूँ। और मैं ऐसे ऐसे करता था तो अब तो बाल तो रहे नहीं, तो अब ऐसा करने का कोई मतलब होता ही नहीं। पर जो हमारे इंडियन क्रिकेटर्स जो कर रहे हैं विदेशी सरजमी पर, उसका तो भाई लेवल ही कुछ नेक्स्ट लेवल है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20I जो लीग चल रही थी, सीरीज चल रही थी चार T20Is की, उसमें से चौथी मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने अभी तक के सारे इंटरनेशनल T20Is के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि संजू सैमसंग एंड तिलक वर्मा, वो दोनों प्लेयर एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेयर्स बन चुके हैं जो अभी तक किसी भी प्लेयर ने जो नहीं किया है वो सारी चीज़ें सिर्फ ये दो लड़कों ने कर दी है इस चार मैच के अंदर। यानी कि ये दोनों ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और काफ़ी सारे नए रिकॉर्ड्स बनाए, वो सारी बातें करेंगे आज के वीडियो में। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कि इंडिया से बाहर यानी कि विदेशी सरजमी पर सबसे बिगेस्ट रिकॉर्ड इस मैच में बन चुका है, यानी कि 283 रन्स पर वन विकेट। यानी कि एक विकेट को तो साइड पे छोड़ो, पर 283 रन्स वो भी सरजमी, विदेशी सरजमी पर जाके बनाना, वो एक नया रिकॉर्ड बना दिया है हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स ने। और जो अभी की T20I स्क्वाड है वो तो भाई कुछ नेक्स्ट लेवल है, आते ही लगाना चालू कर देती है भाई, छक्के चौके के बिना तो उनकी पारी की शुरुआत नहीं होती। वो तो सिर्फ डिसाइड करके आते हैं कि आज तो जीरो पे जाएंगे या तो 100 बना के जाएंगे। तो भाई वो जज्बा देख के मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहे हैं, क्योंकि हर एक प्लेयर को ऐसा जज्बा होना चाहिए कि हमको भी देखने में मज़ा आए भाई, रेगुलर मैच भी हाइलाइट्स देखते हो वैसे लग रहा हो। तो फिर आते हैं कि एक नया रिकॉर्ड कि एक ही मैच में दो ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज लगा दी हो, तो यानी कि संजू सैमसंग एंड तिलक वर्मा दोनों ने एक साथ एक मैच में 100s पे 100s बैक टू बैक लगा दिए। और दूसरा एक रिकॉर्ड कि किसी भी एक प्लेयर ने बैक टू बैक दो मैच में सेंचुरी लगाई हो, वो भी ये दोनों लड़कों ने पूरी कर दी। यानी कि संजू सैमसंग ने फर्स्ट एंड सेकंड मैच में बैक टू बैक सेंचुरी लगा के अपना ये रिकॉर्ड बनाया था, और तिलक वर्मा ने थर्ड एंड फोर्थ T20I में बैक टू बैक सेंचुरी बना के ये रिकॉर्ड बनाया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, पर हमारे वीडियोस भी काफ़ी डिले आ रहे हैं, पर उसका एक रीज़न था जो मैंने हमारे वीलॉग के ज़रिए बता दिया। जो आप वीलॉग नहीं देखते तो मेरे वीलॉग्स जाके देखिए, ये इसी चैनल पे आते हैं, पर अभी काफ़ी परफॉर्मेंस सेंट्रिक हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि संजू सैमसंग ने कितने रन बनाए थे। तो संजू सैमसंग ने 109 रन्स बनाए थे एंड तिलक वर्मा ने 120 रन्स बनाए थे। तो ये काफ़ी बड़ा एक रन स्कोर है सिंगल प्लेयर की तरफ से, क्योंकि IPL में हम देखते हैं कि IPL में तो एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप जाओ लगाओ रन और टीम का स्कोर बढ़ाओ, पर ये नेशनल टीम है भाई, तो इसमें आप किसी भी एक गलती की वजह से आप नेशनल टीम से ड्रॉप हो सकते हो। तो वो काफ़ी एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है कि आपको जाते ही परफॉर्मेंस दिखाना है, और जो वो अच्छा रहा तो आपके लिए अच्छा है, पर जो बुरा हुआ तो आपके लिए ही बुरा है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। पर फिर आते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तरफ, क्योंकि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के सामने अब 22 नवंबर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है। तो उसके बारे में भी हम आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे, और उसके भी मैच रिव्यू के बारे में हम आपके साथ वीडियोस लेके आएंगे। तो डू नॉट, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी चैनल तो बनी ही इसलिए कि हम कुछ नई नई चीज़ें लाते रहे और आपको उन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराते रहे। फिर आते हैं, मेरा तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक ही प्लेयर के ऊपर फोकस रहेगा, वो है हमारे भाई ऋषभ पंत। मुझे टेस्ट टीम में एक ही प्लेयर बढ़िया लगता है, वो है ऋषभ पंत। पूरे टेस्ट मैच में किसी भी प्लेयर को छक्के मारने में झिझक नहीं होती है, वो है ऋषभ पंत भाई। आते ही लंबे लंबे छक्के लगाना किसी भी प्लेयर्स में इतना दम नहीं होता जितना ऋषभ पंत में। तो मुझे काफ़ी उनकी बैटिंग देखने का बोलते हैं कि
तलब है पर ऐसा नहीं बोलोगा, पर मज़ा आता है उनकी बैटिंग देखने में। फिर आते हैं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो चार T20Is की मैच थी, उसमें से सीरीज़ को जीता किसने है भाई? नहीं पता। अबे अपनी इंडिया भाई, इंडिया किसी भी जगह से हार के आती है। जैसे कि हमने T20I वर्ल्ड कप जीत लिया, वैसे ही हमने सारी चीज़ें जीत ली है भाई। साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका की चार मैच में से तीन मैच ने हमने जीत लिए, और सिर्फ एक ही मैच हारे थे, वो सेकेंड मैच थी। पर वो तो भाई चलता रहता है हार जीत तो। पर जो तीन मैच हम जीते हैं उसमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है हमारे लड़कों का। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटेड एंड बहुत अच्छा लगा हो। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे वीडियोस अब पैक टू पैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डू नॉट फॉरगेट वॉचिंग माई वीडियोज़। तो लेट्स गो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।